इस वीडियो के अज तुम वेखोगे वो रस्ता जितों सब तो ज़्यादा रेफ्यूजी 1947 की जो पार्टीशन हुई है वो पाकिस्तान वाली साइड तो इंडिया गए तो इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान आए ट्रेन ते या पैदल। इनू कहिंदे ने जसड़ वाला रस्ता, जसड़ स्टेशन तो डेरा बाबा नानक वो पुल तुहानू विखा लिया जिहड़ा दरावी दे जिहदे उत्तों लाइन जिहड़ी ना टुट गई है लेकिन अज भी उहदे पिलर मौजूद ने। वह पुल की भी हिस्टरी तुहानू दस्सने आ, जसड़ स्टेशन दिखा लिया ताकि जसड़ स्टेशन तुहानू पता लगे कि ट्रेन इंडिया जांदी हुंदी सी और अज के साल दे चे और वो रस्ते वो ट्रेन की पटरी वो तो नहीं लेकिन वो बन अज भी मौजूद ने। इसलिए वीडियो नू सारी देखो फिर तुम समझ लगेगी क्योंकि मैं एक पूरी सीकुएंस के नाल एक वीडियो जी बनाना वा ताकि अगर तुम स्किप करोगे तो फिर तुम पता नहीं चलना कि तुम वेख ही रहे हो। और इतने मैं एक चीज़ होर तुम दरखास्त करना चाह रहा कि वीडियो पूरी वेख के फिर कमेंट करो। कुछ लोग ने पहले झलकियाँ वेख लेंगे उस तो बाद कमेंट कर देते हैं जी ये तुम फलां चीज़ नहीं विखाई फलां चीज़ नहीं विखाई, लेकिन वह सारिया चीज़ा बाद च आनिया होंगे ने तो काइंडली फिल्म वीडियो पूरी वेख्या करो। अगर तुहाडे कोल टाइम नहीं तो ना वेख्या करो, जो टाइम होए उदो वेख ली लेकिन पूरी वेखी तुहानू मफहूम तो पता चलेगा ना कि तुसी वेख की रहे हो। तो वीडियो शुरू करने आ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग एक होर वीडियो के नाल तुहाडी खिदमत च हाजिर। अज तुहानू मैं वह रस्ते विखा लैना वा जिहड़े जसड़ तो डेरा बाबा नानक वाली साइड नूं जांदे सन 1947 की जो वंड हुई। तो यह रूट है जितों सब तो ज़्यादा जेडे गैर मुसलमान के काफले ने वो पाकिस्तान वाले हिस्से चो इंडिया वाले हिस्से चले गए और जेडे मुसलमान सन जिन्हें इंडिया दे सन वो पाकिस्तान के हिस्से शामिल होना चाहते हैं तो वह भी इसे रस्से जाए। यह एरिया क्या जी पटरी के उत्ते मैं बैठा ना ये 1947 तो पहले की विछाई गई है और 1926-27 विछाई गई सी। यह अज मौजूद है लेकिन इस साइड शकरगढ़ इस साइड तो नारोवाल तो यह बिल्कुल नाल हैगा ये चंद किले 2-3 किले दूर स्टेशन जसड़। जसड़ सी जंक्शन क्योंकि उतों ट्रेन जाती होंगी सी सीधी डेरा बाबा नानक तो उस बैक साइड तो नारोवाल सियालकोट तो काफले आए जसड़ आए। जसड़ तो दो लाइन हो जाए ने एक लाइन जी सी चली जाती है शकरगढ़ में है जी अज भी मौजूद है, ट्रेन कोई नहीं चलती इतने बंद हो गई है। एक लाइन जसड़ स्टेशन इधर चली जाती है डेरा बाबा नानक मेरे बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर वाली साइड में मूँह है यह बिल्कुल सामने डेरा बाबा नानक है। ये बन अज भी मौजूद है जिदे उत्ते जी ट्रेन जसड़ तो डेरा बाबा नानक जाती सी वह बन अज भी मौजूद है लेकिन वो उत्ते पटरी हुण नहीं हैगी, गीटे पे ने अज भी। और इतों ही जिहड़े काफले गए ने अगे नाल ही बिल्कुल रावी है, रावी दे विच अज भी उस इटां दे पिलर बने ने जिन्हां दे उत्ते ब्रिज बनिया सी रेलवे पटरी बिछी सी। वह पटरी खत्म हो गई 1965 की जंग तो बाद लेकिन वो ब्रिज के पिलर अज भी मौजूद ने, पानी के खड़े ने। इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि असी भी बड़ा एक जुल्मो सितम जरा 1947 की पार्टीशन देखिया क्योंकि मैं बड़े इंटरव्यूज देखे ने बजुर्गों के, खाओ मुसलमान सन या हिंदू सिख सन, उन्होंने यही दसिया कि जो 1947 की पार्टीशन हुई है तो जसड़ तो डेरा बाबा नानक के दरम्यान जोड़ा एरिया से ये बड़ी कतलोगारत होंगी सी और ये सारा सी दरिया का इलाका जंगल बेले का इलाका और इतने जड़ा मर्जी जिन्हों मर्जी वढ़ देता सी कोई पुछ प्रतीत नहीं सी हैगी और एक जुलम दियां दास्ताना जिहड़ियां अज भी लिखिया ने। मैं इत्थे आके बैठा अल्लाह जानदा मैनू बड़ी दुख इस चीज़ की दुख हो रहा है कि यह वो एरिए ने जिथे बजुर्ग डरते सन कि यार असी अपने घर भी पहुँच सकने कि नहीं, पिछे तो ही छड़ छड़ा के आ गए सारा कुछ अपना, अगे भी कितने पहुँचने कि नहीं। यह तुहानू अज मैं रस्ते बहालना जिहड़े चीख चीख के इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि असं अपनी अखा के सामने बड़े जड़े जुलम देखे ने, बड़े जड़े ने वो दर्दनाकियां वेखिया ने लेकिन ये बोल नहीं सकते। मैं इतने बैठा मैं अज भी लगता है कि वो बजुर्ग जड़े ना इधरों इधरों अगों पिछों वो एक डरते सहमे हुए आ रहे हैं, सिर ते गठड़ियां चुकिया ने, माइया अपन जो उन्होंने बेचारे मगर पिछे पाया बजुर्गों, ठीक है ना, बच्चों को चुकया है पैरी जुत्ती नहीं और मेरे इतों की चल फिर रहे हैं। यही उन्होंने सोच है कि किस तरीके असी अपने नवी जगह पर पहुँच जाइए। यह भी पता है कि जिथे जा रहे उत्थे साडा घर कोई नहीं, पता नहीं कितने जाके रहना तो कितों सानू कुछ जड़ा ना वो सिर छुपाने जगह मिलनी है। खैर गल लंबी हो जाएगी, तुहानू विखालने आ वो रूट्स वो रेलवे ट्रैक जिहड़ा कि 1947 तो पहले का सी और डेरा बाबा नानक और फिर अमृतसर नूं जांदा सी। ऐ जनाब मैं जा रहा बन दे उत्ते, बन के ऊपर जा रहा हूँ जिसके ऊपर रेलवे लाइन थी।
ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਬੰਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੀਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਟਰੈਕ ਹੈਗਾ ਇਹ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਛਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਟਰੈਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੱਸੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਸੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾਰੋਵਾਲ, ਜਦਕਿ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਚਾਕਮਰੂ ਆਖਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੱਸੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਾਰੋਵਾਲ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੜੀ ਵਿਛੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹ ਦੂਸਰੀ, ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੱਥਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਛੇ ਨੇ, ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਕਾਲਾ ਇੰਜਨ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਟਰੈਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਚੱਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਰਮਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰੈਲੇਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੱਥਰ ਪੇਨ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਸੀ ਪਟੜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਬੰਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ ਹੈ, ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਮਟ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿੱਲਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਇਹ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕੈਂਚੀ ਬਣੀ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੈਂਚੀ ਗਈ ਮੁੱਕ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਗਈਆਂ ਰਹਿ। ਇਹ ਟਰੈਕ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਲੰਘੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਟਰੈਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟੇੜਾ ਮੇੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਪਿਘਲ ਪਿਘਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੱਟੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਫੱਟੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੱਟੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਗਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਭ ਜਾਏ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਖੈਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਚਾਰੋ ਚਾਰੋ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵੇਲਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰਨਾ ਪਿਆ, ਸੱਪ ਸਲੂੰਗਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਸਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਗਏ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ,
यह लिखा जी कैमल नहीं कुछ समझ आ रही नहीं पढ़िया जा रहा बुढ़े हो गए हैं। अच्छा जी यह आ गया वह बन जिदे उत्ते पटड़ी सी इंडिया जाने वाले डेरा बाबा नानक है देखो ये चलिया भी नहीं जा सकता कितने पटड़ी इतने होएगी यह दूजी जी शकरगढ़ वाली पटड़ी है तो यह जी है ना ये डेरा बाबा हम इतों इस पटड़ी नालों यह पटड़ी जी फासला ज़्यादा होता जाएगा और यह बार्डर वाली साइड नहीं चल चलती जाएगी तो यह जनाब फिर मेरा मूँह हो गया बैक साइड में जसड़ वाली साइड में यह सारा बन जिदे उत्ते रेल की पटड़ी से यह जी सिग्नल लगे सिग्नल डाउन हुंदा सी ते ट्रेन जिहड़ी है ना वह इत्थों क्रॉस करदी हुंदी सी सिग्नल दा एक पिलर ही रह गया एक खंभा ही रह गया उत्ते कोई चीज़ नहीं होर इहनूं सीढ़ियां सन उत्ते लिवर सी लेकिन वह खत्म हो चुके आ जी उह जसड़ ब्रिज रेलवे ब्रिज जिदे उत्तों की ट्रेन जड़िया ने 1947 तो पहले भी चल दिया सन 1947 की जो पार्टीशन हुई है उदों भी इतों लंघ दी रही ने उस तो बाद भी फिर चल दिया रही ने लेकिन 1947 की पार्टीशन तो बाद सिर्फ उन्होंने जो पाकिस्तानी मुसलमान इलाके ने उत्थे जा रही ने डेरा बाबा नानक वाली साइड नहीं गई कि ड्रोना जहा ब्रिज लग रहा क्योंकि सिर्फ बंद हो चुके हैं जिदी वजह के नाल यदा हम कोई हाल नहीं तुम देख सकते यह ट्रेन का ब्रिज किड़े किड़े मोटे गार्डर पाए ने जनाब इंग्लैंड के गोरे ने लिया लिया के इतने देखो तुम है जी इत एक बोर्ड लगे ये तो लिखा जी बर्न एंड कंपनी लिमिटेड ब्रिज बिल्डर्स 1927 और ब्रिज जसड़ ब्रिज वो ते फटी लगी है तो यह जी इतने कुछ होर लिखा है CARGO कारगो FLEET कारगो फ्लीट इंग्लैंड बड़ी मुश्किल पढ़िया जा रहा जी कारगो फ्लीट इंग्लैंड दोस्तों ऐ वो जगह आ गई जड़ी कच्ची सड़क जाती होंगी सी डेरा बाबा नानक नू यह देखो ना उस जगह पर पक्की बन गई है यह पहला बार्डर है यह पक्की सड़क जी है ना यह जा रही है तो यह जा रही थी जिसे मैं तुम्हें दिखाया यह बन आ रहा यह बन आ रहा है यह सारा ट्रेन का है इतों क्रॉस करके ट्रेन तो इस साइड अगे चली जानी सी नाल नाल ही यह सड़क जी तुम हूँ विखा रहा वा ये उदो कच्ची होंगी सी पैदल या गड्ढे वगैरह चलते होंगे सन यह देखो यह भी जाती होंगी सी पैदल जाने वाले वास्ते यह सड़क ये नाल बन है जोड़ा इस तरह यह बन है ट्रेन वाला यह सड़क है ये दोवें रावी च रावी तो फिर एक हो के ना और ब्रिज के उत्तों की तो फिर जाते होंगे सन अगे इंडिया इतने बेड़ी भी रखी होंगी सी उन्होंने तो यह जनाब वो सारा इलाका ऐसे मेरे प्यारे दोस्तों आज की वीडियो
बड़ी मेहनत नाल तुहाडे वास्ते बनाई। उम्मीद है तुहानू वीडियो अच्छी लगी होगी। बड़ी दुखी यादां दे नाल मैनू इजाजत दिओ। रब राखा।